बीएमओ पुष्पेंद्र लहरे नहीं कर रहे कार्यवाही, मितानिनों ने लगाया आरोप। तुसमा सेक्टर के मितानिनों ने मितानिन प्रशिक्षक सविता तिवारी के द्वारा किए जा रहे प्रताड़ना और पैसे की मांग को लेकर सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। जांजगीर चांपा जिले के आज तुसमा सेक्टर के मितानिन ने सीएमएचओ कार्यालय जांजगीर पहुंचकर सीएमएचओ डॉक्टर आर के सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मितानिन प्रशिक्षक सविता तिवारी द्वारा 8 मितानिन के साथ अभद्र व्यवहार, जाति सूचक गालियां और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके लिए मितानिनों ने कार्यवाही की मांग को लेकर नवागढ़ बीएमओ को 1 माह पहले आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई थी, मगर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके बाद आज जांजगीर सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर सीएमएचओ डॉक्टर आर के सिंह को ज्ञापन सौंपकर मितानिन प्रशिक्षक सविता तिवारी पर कार्यवाही की मांग की है। वही मांग पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मोर नाम लता साहू है, मैं मितानिन हूँ ग्राम तुसमा के, और हमन समस्या लेके आए हैं कि हमन के जो एमटी सविता तिवारी के खिलाफ आवेदन लगाए हैं, ओकर सबूत वबूत सब है हमन के साथ, ओकर बाद भी वहाँ से HRC से सब आगे छानबीन होके, एक बाद भी यहाँ के CHO सर से वो दिन भी मुलाकात करे हैं 24 तारीख के, तो बोली से उसको निकाल दो और दूसरा नियुक्त तब कर दो बोले है, फिर भी BMO सर कोई ध्यान नहीं देते। हमन से वह पैसा वैसा लेते, गाली गलौज भी करते, हर चीज से परेशानी है हमन ला। कौन पैसा लेते आप मन करा? MT सविता तिवारी है। का चीज को पैसा मांगते? हमन के मितानिन कार्यक्रम में जो पंजी आते तेमा पैसा भराते, हमन के 1850 भराते, ओमा तो कर 500 लेते, और नहीं देन त गाली गलौज भी करते, जात पात में भी हमन धमकी वमकी देते हर चीज में। आज का वही समस्या ले जाए ओकर HRC से हमन के जो कागज आगे है वाला BMO सर है दबा के रखे कि ओकर कार्रवाई नहीं करते अभी। कौन BMO? पुष्पेंद्र लहरे। क्षेत्र की जो महिला सिरोना क्षेत्र के तुष्मा और मितानी है, उनकी शिकायत है, उस शिकायत पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या इसमें उनकी शिकायतें प्राप्त हुई थी लिखित रूप में, जिसमें जो है जांच कमेटी गठन किया गया था, कमेटी ने जांच रिपोर्ट अपने प्रस्तुत कर दी है और वहाँ जो है नियमानुसार उसमें जो कार्यवाही है वो अभी प्रक्रियाधीन है और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा शिकायत है कि पैसा लेती है और जातिगत अपमान करती है, तो क्या इन सब चीज़ों को भी शामिल किया? हाँ, जाँच में सभी बिंदुओं को, जो शिकायत के बिंदु हैं उनको सभी को शामिल किया गया है और उसके सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए उसमें जाँच की गई है और जांच में जो भी बिंदु सत्य पाए जाएंगे उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभी कोई टाइम उसमें है कि इतना दिन हो जाएगा, कुछ होगा भी समय है? कोशिश है जल्द से जल्द। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।